अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महकमा मौसमियात और मौसमियाती मॉडल की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आपकी पेशे खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। मौसम की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट इस वीडियो में है। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, लाइक तो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी को आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि मौसम की लम्हा बिलम्हा अपडेट हमारे चैनल से बर वक्त हासिल कर सकें। तो दोस्तों, हम आपसे छोटी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सिंध के मौसम की एक बहुत ही बड़ी शानदार अपडेट है, इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे जिक्र करूँगा। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात और मौसमियाती मॉडल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक अच्छा ताकतवर स्पेल जो कि पाकिस्तान के बालाई इलाकों में, जिनमें गिलगित के तमाम तर इलाके, उसके साथ साथ दोस्तों केपीके के जो भी तमाम तर इलाके, इन इलाकों में इस वक्त मौसमी सूरत हाल बनी हुई है। अब बात करते हैं सिंध के हवाले से। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जो बारिशों का स्पेल दाखिल हुआ है मगरबी, ये बालाई और जो बलूचिस्तान के शहर खुशदार से दाखिल होने जा रहा है, जो कि सिंध के मुख्तलिफ मकाम पर आज दोपहर तक फैल जाएगा, जिसके ज़रिए असर कराची, बदीन, ठट्टा, थरपारकर, नंगर पारकर, बालाई सिंध के चंद एक दो मकाम पर, उसके साथ साथ दोस्तों अपर सिंध के ज़्यादातर मकाम पर, वस्ती सिंध के तमाम तर मकाम पर, जिनमें सेंट्रल सिंध के ज़्यादातर मकाम पर शहरों के नाम लेते चलें तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि जोही, वाईबाजी, गोरखल स्टेशन, दादू, मोरो, नवाबशाह, सकरण, काजीमर, सन, खैरपुर, खैरपुर, नाथनजा, खैरपुर, मीरसर, लाड़कानो, शिकारपुर, उसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताते चलें कि जो है मोहनजोदड़ो के तमाम तर इलाके, उसके साथ साथ दोस्तों बालाई सिंध के ज़्यादातर मकाम पर जो है मौसम अब्बर आलूद बन सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों सिंध के जो लोअर सिंध के तमाम तर शहर हैं, इन शहरों में मौसम अब्बर आलूद बन सकता है, जो कि लोकल डेवलपमेंट की वजह से किसी किस्म की खातर हुआ बारिशों के इम्कान नज़र नहीं आ रहे। तो दोस्तों, आज छुट्टी के दिन सिंध के मुख्तलिफ मकाम पर मौसम में अचानक तब्दीली आई है।